सारे लोगों को डरा बेसिकली, लेकिन उसमें इतने कंफाउंडिंग फैक्टर्स थे कि उनको कंसिडर किए बगैर जो है वो एक थ्रेटनिंग सिचुएशन, बेसिकली एक वार्निंग सिचुएशन अराइज हो गई। क्योंकि इस एरा से पहले, कम अज कम जब हमने ये स्टार्ट किया सारी ट्रेनिंग वगैरह के साथ, उस जमाने में तो एच आर टी इज फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। नाउ बट आफ्टर द WHI स्टडी, द एच आर टी वॉज नॉट फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट, that was for selected patients only based on certain indications. Due to certain threats posed by this study on the patients who are regularly using menstrual hormonal menopausal hormonal treatment. अब इसको HRT नहीं कहते, अब इसको menopausal hormonal treatment का नाम दिया जाता है। तो इसमें लेकिन वही बात है ना, वेरिएबल फैक्टर्स बहुत थे जिनको कंसिडर किए बगैर हमने एक नेट कंक्लूजन कर ली और जिसके ऊपर ये बेस किया कि ये भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है। सर्टन फैक्ट्स वर ट्रू बट सर्टन फैक्ट्स वर नॉट ट्रू। तो हमने ये देखना है कि इसमें बेसिकली क्या चीज़ है जिसको हमने ड्यूली कंसिडर करना है। इसमें HRT में बेसिकली जो हम ड्रग्स यूज करते हैं वो ईस्ट्रोजन लेवल को फिजियोलॉजिकल लेवल तक लेके आते हैं। जो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम यूज करते हैं दैट रेज द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टू सुप्रा फिजियोलॉजिकल लेवल, क्योंकि वो सुप्रा फिजियोलॉजिकल लेवल पे जब आएंगे तो दैट विल सप्रेस द ओवेरियन फंक्शंस एंड लीडिंग टू द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट्स ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल मेनोपॉजल हार्मोनल ट्रीटमेंट। तो ये इसका और HRT का और OCPs का ये फर्क है। तो अमूमन ये जो HRT है दैट इज कंसिडर्ड सेफ इफ वी गिव इट टू द सर्टेन सिलेक्टेड पेशेंट्स। अब इस वक्त भी इवन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द रिस्क एंड बेनिफिट्स, मेनोपॉजल हार्मोनल ट्रीटमेंट इज नॉट फॉर 100% ऑफ द पेशेंट्स, only when there are certain indications and after ruling out the contraindication to its use. Ab risk aur benefit to generalized nahi hai, these are individualized according to the patient's own status. Uske kuch limiting factors hote hain, uski kuch indications hoti hain aur har patient mein dose variation bhi hoti hai, duration variation bhi hoti hai. To isliye isko humne एक जनरलाइज्ड के तौर पे नहीं, हमने इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट के तौर पे यूज करना होता है। अगर हम इसको देखें तो DVT जो है वो उसका डेफिनेटली रिस्क इंक्रीज करता है। अगर हम रिस्क की बात करें तो DVT इज अ डेफिनेट एस्टेब्लिश्ड रिस्क बट विद द ओरल ट्रीटमेंट्स, पैच या जेल के साथ उसका रिस्क नहीं बढ़ता। ब्रेस्ट CA को थोड़ा सा हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशंस आर रादर सेफ एज कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन प्रेपरेशंस, क्योंकि एज कॉन्ट्रेरी टू आवर कॉमन बिलीफ के ईस्ट्रोजन शायद उसमें रेप्लिकेशन ऑफ सेल्स करती है ब्रेस्ट टिश्यूज में एंड दैट क्रिएट्स द मेटास्टेटिक मैलिग्नेंट सेल्स इज रॉन्ग। क्योंकि जब हम ईस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरोन के साथ कंबाइन करते हैं तो फिर उसमें ब्रेस्ट टिश्यू की सेफ्टी नीचे आ जाती है। तो कॉन्टीन्यूस प्रोजेस्टेरोन अगर हम दे रहे होते हैं तो सेफ्टी और भी कम हो जाएगी, अगर हम सिक्वेंशियल प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं तो सेफ्टी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, बट इफ़ वी गिव इट ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन तो सेफ्टी और भी बेहतर हो जाती है बट नॉट 100% सेफ। तो जो वाहिद जो मेन इश्यू जो अभी तक भी रेस हो रहा है, लास्ट न्यूज़ वाली सितंबर 2019 कि इसमें ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी का रिस्क इज डेफिनेटली देयर, लेकिन डिपेंड करता है ब्रांड और प्रेपरेशंस पे एंड द ड्यूरेशन ऑफ यूज, और इसके अलावा कि आपने मेनोपॉज के कितने अरसे बाद उसको शुरू किया, या एक सर्टेन एज लिमिट होती है 60 ईयर्स कि आपने उसे पहले शुरू किया या बाद में शुरू किया, और इसके अलावा पेशेंट के अपने फैक्टर्स क्या थे, रिस्क फैक्टर्स क्या थे। अगर हम HRT यूज करते हैं इन अ पेशेंट हु इज ऑलरेडी वेरी ओबीस तो रिस्क इंक्रीजेस as compared to a thin and slim patient, क्योंकि उसमें endogenous estrogen is always there, adiposity ज़्यादा होती है, इस वजह से उसमें एक risk factor already present है। तो उस पर जब हम HRT देते हैं तो उसकी फिर safety थोड़ी सी नीचे आती है। So again the role of individualization is there.
ऑस्टियोपोरोसिस का एक डेफिनेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और ये इसकी ट्रीटमेंट स्टॉप करने के बाद भी ये परसिस्ट करते हैं। डायबिटीज मिलाइटस एस्टेब्लिश्ड में इसको बहुत क्वेश्चन के साथ देना चाहिए, बट न्यू ऑनसेट डायबिटीज मिलाइटस रिस्क इज नॉट देयर। मसल स्ट्रेंथ को ये इम्प्रूव करते हैं और ये बाकी इसकी जहाँ तक डोजेज और रिजीम है उसमें अगेन वही इंडिविजुअलाइजेशन और एनुअल अवेल्युएशन ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हम इसमें कोई आर्बिट्री लिमिट सेट नहीं कर सकते कि किस पेशेंट में हमने साल देनी है, 6 महीने देनी है या 2-3 साल देनी है, क्योंकि मैक्सिमम ड्यूरेशन तो दैट कैन गोज अप टू 6 and 7 years कंटिन्यूसली, लेकिन इसको भी हमने इंडिविजुअलाइज ही करना है। अगर हम HRT की जो डोज होती है वो जितना आप मेनोपॉज के साथ अर्लियर स्टार्ट करती हैं उतना आपको थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डोज में देना पड़ता है, बट इफ 10 years आफ्टर द मेनोपॉज और आफ्टर द 60 years तो डोज को हमें थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ता है। सो दिस इज अ रूल। अब प्रोजेस्टोजन पे जब हम प्रोजेस्टोजन का वाहिद फायदा क्या है देने का, जितने पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स है ना दैट आर बेटर ट्रीटेड विद ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशंस, बट द प्रोजेस्टोजन इज गिवन फॉर द सोल पर्पस ऑफ एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन, क्योंकि ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशंस लीड टू द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया एंड दस द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी। लेकिन इसका जो एक वाहिद मकसद होता है देने का वो एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन होता है, चाहे आप उसको पिल्स के साथ कंबाइन कर दें, इसको हम क्रीम या पैचेस की सूरत में नहीं देते। हाउ एवर इट कैन बी गिवन इन ओरल फॉर्म, इट कैन बी गिवन इन सबडर्मल इम्प्लांट्स, इट कैन बी गिवन बाय इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जैसे मायरीना वगैरह है, उस सूरत में दे सकते हैं। द सेफर प्रेपरेशंस आर माइक्रोनाइजाइड प्रोजेस्टेरोन एंड डाइड्रोजेस्टेरोन जो कि थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टोजन में आती है, उनका सेफ्टी प्रोफाइल ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा ये हम इसको सिक्वेंशियल भी दे सकते हैं और हम इसको कॉन्टीन्यूस जैसे कॉम्बिनेशन पिल्स होती हैं प्रोगाइलिडोन वगैरह है उसमें ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में उसमें वो होता है, यानी हर पिल में प्रोजेस्टेरोन होता है। और बाय गिविंग ईस्ट्रोजन ओनली पिल्स एंड देन कंबाइनिंग इट विद प्रोजेस्टेरोन पिल इन द लास्ट 12 to 14 days, अब इमीडिएट इफेक्ट में सबसे ज़्यादा जो इसकी शॉर्ट टर्म इंडिकेशंस होती हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दैट आर वेजो मोटर सिम्टम्स। वेजो मोटर सिम्टम्स आर क्वाइट डिबिलिटेटिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें पेशेंट का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, पेशेंट की इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी एंड मैनी अदर सिम्टम। और इसके अलावा जो दूसरी इसकी ज़्यादा कॉमन इंडिकेशन है शॉर्ट टर्म इंडिकेशन और शॉर्ट टर्म बेसिकली बेनिफिट भी इसमें होते हैं इस द जेनिटो यूरिनरी एट्रॉफी, जिसमें रिकरेंट ड्यूटियाँ भी आ जाती हैं, जिसमें डिस्पेरोनिया भी आ जाते हैं, तो वो भी एक इसकी अर्जेंट इंडिकेशन इसके यूज की बन जाती है। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस पे एक बहुत बेनिफिट इफेक्ट इसका होता है, बोन प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, जो कि इसकी डोज पे भी और ड्यूरेशन रिलेटेड भी होता है। और इसका जो इफेक्ट है दैट परसिस्ट इवन आफ्टर द ड्रग इज स्टॉप बट इज स्टॉप आफ्टर सम टाइम्स ऑफ द स्टॉपिंग द ड्रग यूज, कुछ 1-2 साल तक इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस का इफेक्ट हमें तब ज़्यादा अचीव होता है व्हेन वी स्टार्ट इट विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड आफ्टर द मेनोपॉज, यानी ईदर विद इन द 10 years ऑफ द मेनोपॉज और बिफोर द एज ऑफ 60 years, तो तब हमें ऑस्टियोपोरोसिस का जो प्रिवेंशन का इफेक्ट है वो ज़्यादा बेहतर हमें मिलेगा। अदरवाइज ये वाला जो इफेक्ट है कि आफ्टर स्टार्टिंग इट आफ्टर 60 years वो उसका कम इफेक्ट अचीव होता है। तो उस सूरत में द पेशेंट कम्स टू यू आफ्टर 60 years ऑफ एज विद ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसने फिर जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं लाइक जिस्ट फॉस्फेनेट और दूसरी जो बाकी फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं दैट आर अ बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू द HRT इटसेल्फ। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक को ये प्रिवेंट नहीं करता लेकिन न्यू ऑनसेट डिजीज में ये प्रिवेंशन में इसका रोल है एंड इट इम्प्रूव्स द कॉग्निशन लेवल आल्सो। अब ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में ब्रेस्ट कैंसर रिमेन्स एट द टॉप,
क्योंकि यही वो सबसे बड़ा खतरा है जो हम सबके जहनों में होता है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो है वो इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। तकरीबन एचआरटी अगर हम यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो ये 5% ब्रेस्ट सीए को इंक्रीज करते हैं, 5% अमंग ऑल द अदर कॉजेस। बाकी जो कॉजेज हैं उसमें इसका रोल सिर्फ 5% की हद तक है। और जैसे कि पहला भी हमने डिस्कस किया कि इफ वी यूज द एस्ट्रोजन ओनली प्रिपरेशन तो 1 in 200 में हैव दिस इफेक्ट। अगर एस्ट्रोजन प्लस इंटरमीडिएट प्रोजेस्टेरोन तो 1 in 70 में डेवलप सीए ब्रेस्ट। और अगर ये कंबाइंड पे जिसमें कंटिन्यूस यूज उसका है तो 1 in 50। तो सबसे ज़्यादा जो इसका रिस्क है वो उस वक्त है जब हम कंबाइंड पे जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डेली बेसिस पे हम दे रहे होते हैं तो इसमें सबसे मैक्सिमम रिस्क है। 1 patient out of every 50 patients कैन डेवलप दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इसका जो ज़्यादा इफेक्ट है दैट इज रिलेटेड विद द प्रोजेस्टेरोन यूज, बट इवन द एस्ट्रोजन ओनली प्रिपरेशन आर नॉट दैट सेफ। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब पेशेंट का बीएमआई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो या फिर उसकी कोई पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो या फिर जैसे ब्रेस्ट कोलोरेक्टल मेलिग्नेंसी वाली कैटेगरी से उसका लिंक हो, तो ये सारे वो रिस्क फैक्टर हैं जिसमें फिर इसका यूज़ जरा थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सो अगेन द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स इज मैंडेटरी। अब ओवेरियन सीए और सर्वाइकल सीए को इतना बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, कोलोरेक्टल सीए में भी चेंज नहीं होता। हाउएवर विद द एस्ट्रोजन ओनली प्रिपरेशन एंडोमेट्रियल सीए का रिस्क घट जाता है और यही वजह है, वाहिद वजह देने की प्रोजेस्टेरोन एचआरटी प्रिपरेशन में। लेकिन अगर यूटरस हैज बीन रिमूव्ड ऑलरेडी तो फिर उस सूरत में आप एस्ट्रोजन ओनली प्रिपरेशन दे सकते हैं। और अगर आपने फर्ज की एस्ट्रोजन ओनली प्रिपरेशन देनी है ओरली टू एनहांस द इफेक्ट ऑफ ट्रीटिंग द पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स बट बाईपासिंग द सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, सो इट इज क्वाइट प्रैक्टिकल दैट यू गिव द ओरल एस्ट्रोजन थेरेपी एंड यू इंसर्ट मायरीना इनसाइड द, उसमें उसके जो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स हैं प्रोजेस्टेरोन के वो कम हो जाएंगे। अच्छा जी, अब बार दफा ये सवाल होता है कि हमने एक खास मेलिग्नेंसी के बाद हमने ये देना है या नहीं देना। तो अगर तो पेशेंट नॉन केस है ब्रेस्ट सीए का तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू सिस्टेमिक एचआरटी, यानी हम उसमें इवन एस्ट्रोजन ओनली प्रिपरेशन भी नहीं देते इन द ट्रीटेड पेशेंट्स ऑफ ब्रेस्ट सीए। लेकिन जैसे मतलब अगर बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो तो टू सम एक्सटेंट हम रिलोक्सिफेन दे सकते हैं विच इज़ बेसिकली असिस्टेड ड्रग ऑफ टेमोक्सिफेन विच इज ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, जिसमें ईस्ट्रोजन पॉजिटिव रिसेप्टर वाले जो ब्रेस्ट सीए वाले केसेस भी हैं उनमें भी वो प्रोटेक्टिव होती है, तो वहाँ पर आप यूज इसको कर सकते हैं। एंडोमेट्रियल सीए में मतलब उसमें कोई देने का रिस्क नहीं अगर आप उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो बाय द प्रोजेस्टेरोन, और एंडोमेट्रियल सीए के केसेस हम ट्रीट ही हिस्टेक्टमी के साथ करते हैं। ओवेरियन सीए में के बाद भी देने का कोई मसला नहीं है, सर्वाइकल सीए में भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, वल्वल सीए के बाद भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। हाउएवर एक क्वेश्चन ये भी होता है कि एंडोमेट्रोसिस को आपने ट्रीट किया फिर एचआरटी दें या ना। नो, तो एंडोमेट्रोसिस इज बेसिकली एस्ट्रोजन डिपेंडेंट पैथोलॉजी, तो वहाँ पे अगर तो ओवरी एंड यूट्रस हैज ऑलरेडी बीन रिमूव तो वहाँ पे आप पे कुछ नॉन एस्ट्रोजन पिल्स भी होती हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट होती हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, तो वो वाली चीज़ें आप इसमें ट्राई कर सकते हो, बट प्रेफरेबली अवॉइड यूजिंग एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स। अब इसमें फीमेल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में रिस्क डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे पेशेंट में आपने एचआरटी यूज करने की कोई इंडिकेशन है तो रादर यूज द सबडर्मल क्रीम्स और पैचेस या फिर सबडर्मल इम्प्लांट्स विच बाईपास द सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ एचआरटी, क्योंकि वो सिस्टेमिक उसका इफेक्ट होगा तो डीवीटी का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आप इसको टॉपिकल एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ करते हो तो रिस्क मिनिमम होता है, इसीलिए टॉपिकल एप्लीकेशंस नाउ अ डेज आर अ प्रेफरेबल चॉइस।
स्ट्रोक जो है ये प्रिवेंशन के लिए तो नहीं दिया जाता, लेकिन ये है कि इसको अगर पहले हो चुका हो तो इसमें कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स प्रीमैच्योर मेनोपॉज, ठीक है, कि प्रीमैच्योर मेनोपॉज जब किसी पेशेंट में हो जाता है एंड दैट इज बिफोर द एज ऑफ मेनोपॉज यानी 40 ईयर से पहले अगर हो गया तो उसमें देना मैंडेटरी है, यानी आप उसको उस एज से जब प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ आप उस एज से लेके टिल द नॉर्मल एज ऑफ मेनोपॉज जो कि 51 इयर्स होती है आप दें। इसमें ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना ब्रेस्ट सीए के और वो सारी चीज़ें उनकी इंसिडेंट्स प्रेवलेंस एंड द सारा जो उसके रिस्क कैटेगराइजेशन है दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द पेशेंट्स हु आर हैविंग प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। और इसके लिए जो दोनों प्रेपरेशन आप यूज कर सकते हैं ओसीपीज एज वेल एज द एक्चुअल एचआरटी प्रेपरेशंस, यानी ओसीपीज भी जो है इसमें यूज की जा सकती है क्योंकि एट यंग एज द पेशेंट नीड मोर ईस्ट्रोजन सुप्रा फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, तो वो हमें सिर्फ ओसीपीज के साथ ही मिलेंगे। आफ्टर स्टार्टिंग द ये जो है एचआरटी द पेशेंट हैज टू बी रिव्यूड आफ्टर 3 मंथ्स। If everything is okay, then she can be examined on annual basis. अलबत्ता अगर कोई सा क्योंकि उसमें इन विजिट्स का मकसद ये भी होता है कि क्या पेशेंट इज कोपिंग वेल विद दिस एचआरटी प्रेपरेशंस, इज शी डेवलपिंग एनी साइन एंड सिम्टम एंड एज वेल एज टू मॉनिटर द सिस्टम्स विच कैन बी अफेक्टेड बाय द एचआरटी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमने उसको इन फॉलो अप विजिट्स पे हमने असेस करना होता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है वेसोमोटर सिम्टम्स, तो उसको असेस करना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वेसोमोटर सिम्टम्स से ही रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म भी है जो कि हॉट फ्लशेस वाली चीज़ें दे सकते हैं, सो इट हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द अदर मेडिकल डिसऑर्डर्स। और दूसरी चीज़ ये कि ये वेसोमोटर सिम्टम जो हैं टू व्हाट एक्सटेंट दीज आर डिबिलिटेटिंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, उसके बेस पे फिर आपने डिसाइड करना होता है कौन सी प्रेपरेशन किस डोज में कितने अरसे के लिए, और फिर उसके बाद आप कॉन्ट्राइंडिकेशन को रूल आउट कर लें। वंस यू हैव सिलेक्टेड द पेशेंट फॉर स्टार्टिंग एचआरटी आपको अंदाजा होता है कि बस ये पेशेंट है जिसको मैंने एचआरटी देना है। फिर उसके बाद आपका दूसरा काम यह है कि आप उसकी हिस्ट्री पे उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को रूल आउट कर लें जो कि हमने सारी अभी मेंशन की। दूसरी चीज़ ये कि जब आप स्टार्ट करते हैं एचआरटी तो एचआरटी स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। मिनिमम वो टेस्ट क्या है, क्या टेस्ट होने चाहिए? वो तो मेनोपॉज तो हो गया ना, अब और क्या टेस्ट करवाओगे? बेसलाइन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, अगर यूट्रस अंदर ही है तो एंडोमेट्रियल थिकनेस और ब्लड शुगर कॉस्ट, बाकी बेस लाइन टेस्ट, ठीक है ना। उसमें अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम रहा वो करवा लो, और बेसिक टेस्ट होंगे बट मिनिमम विल बी लिपिड प्रोफाइल, मैमोग्राम एंड एंडोमेट्रियल थिकनेस। और इफ द यूट्रस हैज बीन रिमूव्ड तो लिपिड प्रोफाइल and mammogram will be the essential investigations apart from the other baseline investigations. तो ये हैं कुछ जो के contraindications और indications वाली चीज़ें इसमें ये आ जाती हैं, इसके बारे में हमने पहले भी बात कर दी। और ये सबसे ज़्यादा effective ये उस वक्त है जब within 10 years of menopause हम शुरू करें या less than 60 years use करें तो इसका सबसे अच्छा effect होगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स। जितना हम इसको लेट शुरू करते हैं उसके उतने ही बेनिफिट्स अचीव करना मुश्किल हो जाता है। अलबत्ता रिस्क वही एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बेनिफिट जो है वो कम हमें अचीव हो रहे होते हैं। सो इफ यू हैव टू स्टार्ट इट एट एन एप्रोप्रिएट टाइम। अब ये एक जनरल सी गाइडलाइन है कि आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन को रूल आउट कर लिया, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करवा ली, फिर आपने एचआरटी जो है वो शुरू कर ली, और एचआरटी शुरू करने से पहले अगर ऑलरेडी हिस्टेक्टमी हो चुकी है तो बेटर गिव इट अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन, और अगर इंटैक्ट यूट्रस है लेकिन
यहाँ पे 2 years लिखा हुआ है, लेकिन 1 year भी इतना ही applicable है इस पे कि अगर तो मेनोपॉज हुए को 1 to 2 years हो गया तो साइक्लिकल शुरू करें हमेशा. Always start with the cyclical regime if the patient has menopause for last 1 or 2 years. Later on, you can switch on to the continuous therapy, but always start with the cyclical therapy. Again, to uterus intact hai and the menopause is for more than 2 years, then you can start with the combined, continuous combined HRT. यानी जिसमें कोई bleed नहीं होता या फिर infrequent time periods पे bleed होता है. यानी हम patient को ये भी कह सकते हैं कि after every 3 months she can bleed, after every 4 months she can bleed. So she will be having the minimal bleeding episodes in a year. लेकिन अगर वो उसकी short duration है menopause की, तो उस सूरत में उसको फिर monthly bleed करवाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. Again for the endometrial protection. Baseline test की हमने बात कर ली. Cervical screening तो चल रही होती है till 65 years. तो वो तो हर उसका वो हिस्सा होता ही है. अब routes and regimes में सब चीज़ें हैं. Oral preparations में different तरह की, फिर intrauterine है, फिर सब dermal implants हैं, फिर creams हैं, vaginal rings हैं, और इसमें patches भी हैं. तो ये सारे के सारे जो हैं, ये और progesterone pessaries भी हैं, जिसमें ये जो micronized progesterone है, these can be inserted as pessaries, can be taken orally. अच्छा, अब टाइप्स की हमने ऑलमोस्ट बात कर ली. इसमें जो साइक्लिकल है ना, साइक्लिकल में ये है कि इसमें ईस्ट्रोजन पूरा महीना, आखिर के 10 से 14 दिन जो है वो आप प्रोजेस्टेरोन कंबाइन करते हैं. ये साइक्लिकल है. साइक्लिकल कंबाइन का मतलब ये है कि डे वन से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आप दे रहे हो कंबाइन. उससे ऊपर वाली साइक्लिकल में आपने पहले ईस्ट्रोजन से शुरू किया और आखिरी 10 से 14 दिन आपने प्रोजेस्टेरोन कंबाइन किया. साइक्लिकल कंबाइन में डे वन से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है. कॉन्टीन्यूस साइक्लिकल में जो है वो इसमें डेली बेसिस पे जो है वो ईस्ट्रोजन मिल रहा होता है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो 10 टू 14 डेज आफ्टर एवरी मंथ. कॉन्टीन्यूस लॉन्ग साइकिल यानी ये 3 महीने बाद भी पेशेंट ब्लीड कर सकते हैं, 6 महीने बाद भी कर सकता है. उतने टाइम पीरियड के लिए आप जो है वो देते जाते हैं ईस्ट्रोजन और फिर आखिर में 3 महीने बाद या 6 महीने बाद 14 दिन के लिए प्रोजेस्टेरोन दे दें. कि जितना मेनोपॉज का टाइम पीरियड ज़्यादा गुजर जाता है ये वाली रीम वहाँ पे एप्लीकेबल होगी. अब ये जो कॉन्टीन्यूस और साइक्लिकल कंबाइंड है इसका ये मतलब ये है, इसका मैं आगे जाके भी बताती हूँ कि वहाँ पे तो हमने 21 दिन दी, ये हम मुस्तकिल दे रहे हैं ईस्ट्रोजन. यानी ये मैं आपको बताती हूँ, ये कॉन्टीन्यूस में कर्सर नज़र आ रहा है ना, हाँ ये जो है इसमें ईस्ट्रोजन आपने डे 1 to 25 दी. ये जो है साइक्लिकल, इसमें ईस्ट्रोजन मुस्तकिल चल रही है, नॉट फॉर डे 1 to 25, मुस्तकिल चल रही है. अलबत्ता हर महीने आप इसको आखिर में 10 से 14 दिन के लिए प्रोजेस्टेरोन कंबाइन कर देते हैं. तो ये डिफरेंट रिजीम्स हैं. और बाकी ये कॉन्टीन्यूस कंबाइन में तो मुस्तकिल ही चलती रहेगी. और इसमें इंटरमीडिएट पीरियड्स हैं, सेकंड लास्ट वाले में इंटरमीडिएट पीरियड्स हैं, जिसमें कि जो हर 3 से 6 महीने बाद पेशेंट को हम प्रोजेस्टेरोन देते हैं फॉर विथड्रॉल ब्लीडिंग. और जब भी प्रोजेस्टेरोन दे के ख़त्म करेंगे पेशेंट ब्लीड करेगा, चाहे वो उस वक्त ईस्ट्रोजन ले भी रहा है. टिबल ऑन कॉन्टीन्यूस बेसिस पे दी जाती है. अब इसमें जो लेवल्स डिफरेंट बनते हैं डिफरेंट प्रेपरेशन के साथ, कोई वो नहीं है वो जो होता है पॉइंटर, लेजर पॉइंटर. इसमें जो ओरल प्रेपरेशन है 30 मिनट्स में इसका इफेक्ट अचीव हो जाता है. ओरल प्रेपरेशन आर टू बी टेकन ऑन रेगुलर डेली बेसिस. 30 मिनट्स में इफेक्ट अचीव होगा और उसके बाद ग्रेजुअली ये डिक्लाइन करता है. यही वजह है कि इसके कंटिन्यूस सीरम लेवल के लिए आपको इसको रोजाना एक ही टाइम पे देना जरूरी है. बिकॉज व्हेन इट सपोज वन टेबलेट इज गिवन इन द मॉर्निंग टुडे एंड द अदर टेबलेट इज गिवन ऑन द नाइट टुमारो, सो द सीरम लेवल्स विल बी ड्रॉप्ड एंड देयर कैन बी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग. सिमिलर इज द रूल फॉर ओसीटीज कि उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट जो है उसकी एफिकेसी कम हो जाती है. यहाँ पे ट्रांस नेजल ये भी डेली बेसिस पे ये 30 मिनट्स में इफेक्ट अचीव और उसके बाद ये काम हो जाता है. जो
ओरल माइक्रोनाइजाइड एस्ट्रैडियोल है उसका 5 घंटे रहता है इफेक्ट, ठीक है, ट्रांसडर्मल 7 डेज के लिए इफेक्ट, ठीक है, और वो ऑलमोस्ट जो है वो उसका कॉन्टीन्यूस ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस लेवल रहते हैं अनलेस के बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के साथ उसकी थोड़ी सी एडहेरेंस में इश्यू आ जाए, अदरवाइज इफ इट इज फर्मली अप्लाइड टू द स्किन तो उसके सीरम लेवल जो है वो ठीक चलते रहते हैं डेली बेसिस पे। ये भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है कि इसमें जो सीरम लेवल्स हैं वो किस तरह से इफेक्ट होते हैं, पैच में कॉन्टीन्यूस रहते हैं, इम्प्लांट में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं, इम्प्लांट जहाँ भी होगा उसमें सीरम लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं, और इसके अलावा जो ओरल प्रेपरेशन है उसमें डेली बेसिस पे ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। अब डोज ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो यूजुअली हम यूज करते हैं, एस्ट्रैडियोल वैलिडेट इज अ फिजियोलॉजिकल एस्ट्रोजन जो के अमूमन 1 या 2 मिलीग्राम पर डे, अमूमन जो हम जो एचआरडी की प्रेपरेशन है उनमें 2 मिलीग्राम एस्ट्रैडियोल वैलिडेट होता है। कॉन्जुगेटेड जो है दैट इज अवेलेबल इन द मिनिमम डोज ऑफ 0.3 फिर 0.625 फिर 0.45 भी 1.25 मिलीग्राम की टेबलेट की प्रेपरेशन पर मिलता है। आज तक हम ये 0.625 ही यूज करते हैं, लेकिन अगर हमने किसी हाई रिस्क पेशेंट में यूज करना है और सम लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेनोपॉज तो हम 0.3 के साथ उसको करेंगे, और इफ इन एनोनोबीज पेशेंट तो भी हम उसको 0.3 के साथ ही शुरू करेंगे। और एचआरडी का एक ये असूल होता है कि उसको कोशिश करें जरा मिनिमम डोज से शुरू करके, अगर उसे पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं तो मेंटेन ऑन दैट डोज, या अगर सिम्टम परसिस्ट करते हैं या कोई ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है इंक्रीज द डोज। सो अगेन इंडिविजुअलाइजेशन। और फिर ये मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन जो प्रोजेस्ट्रॉन प्रेपरेशन में 2.5 मिलीग्राम में 10 मिलीग्राम में पर डे, नॉरेथिस्ट्रॉन इज सेकेंड जनरेशन, ये अमूमन बहुत ज़्यादा कंबाइन नहीं होती है एचआरडी प्रेपरेशन में, इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं ये मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन के भी और नॉरेथिस्ट्रॉन के भी, ये इन डिफरेंट प्रेपरेशन में अवेलेबल है। माइक्रोनाइजाइड प्रोजेस्ट्रॉन इज द सेफेस्ट प्रोजेस्ट्रॉन जो कि हम दे सकते हैं, वो 200 अगर हमने ओरल देना है तो 200 मिलीग्राम पर डे, और इसके अलावा 45 मिलीग्राम पर डे वजाइनली भी हम दे सकते हैं, और ट्रांसडर्मल प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन, यानी जब आपने प्रोजेस्ट्रॉन को यूज करना है फॉर एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन दैट शुड इधर बी गिवन ओरली और वजाइनली एज वजाइनल पेसरीज और एज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन सिर्फ वो इन 3 सूरतों में देगा, अदरवाइज अगर आप पैच की सूरत में लगाते हैं या कोई क्रीम की सूरत में लगाते हैं तो उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। अच्छा, अगर तो हमने स्टार्ट करना है विद इन 1 ईयर ऑफ मेनोपॉज तो ये हमने बात पहले भी कर दी कि हमेशा सिक्वेंशियल रिजीम से शुरू करें, ठीक है, यानी जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दोनों ही हो। अगर हमने 1 या 2 ईयर्स इसमें 2 ईयर्स भी ऐड कर लें, 1 या 2 ईयर्स ऑफ मेनोपॉज के बाद करना है तो इवन ब्लीडिंग फ्री रिजीम यानी कॉन्टीन्यूस जो रिजीम्स हैं वो भी इसमें हम शुरू से ही शुरू कर सकते हैं, या फिर कॉन्टीन्यूस रिजीम हम तब भी दे सकते हैं जब पेशेंट कम अज कम 1 साल के लिए सिक्वेंशियल रिजीम ले चुका हो, यानी 1 साल हमने उसको एचआरडी यूज़ की सिक्वेंशियल रिजीम की, फिर उसके बाद हम उसको स्विच, पेशेंट कहता है कि ये तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है मंथली थी, सो यू कैन स्विच ऑन टू इधर 3 or 4 ब्लीड्स पर ईयर और टू द कंटिन्यूस रिजीम्स, ठीक है, टू मेक हर मोर कंफर्टेबल एंड एक्सेप्टेबल, अदरवाइज वो स्टॉप कर देंगे। और इसके बाद अगर सिम्टम्स होते हैं तो आप उसकी जो प्रोजेस्टेरोन की डोज है उसको बढ़ा दो, और अगर प्रोजेस्टेरोन के कोई साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसकी डोज को रिड्यूस कर दो, डोज को भी रिड्यूस कर दो, उसकी ड्यूरेशन को भी रिड्यूस कर दो। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें फॉलो अप विजिट्स पर पता चलेगी, यानी पेशेंट हमारे पास आएगा इन सिम्टम के साथ तो हम उसकी डोज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। रोसपेरिनोन ये एक बहुत अच्छा, ये बेसिकली अल्टरनेटिव ऑफ द प्रोजेस्टेरोन इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन जो कि हम देते हैं, जिसके सारे तकरीबन एंटी इफेक्ट्स हैं, एंटी एंड्रोजेनिक भी हैं, एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टीज भी हैं, ये ज़्यादातर पीसीओ के केसेस में यंग एज पेशेंट में दिया जाता है, बट इन एचआरडी प्रेपरेशन एज वेल इन कॉम्बिनेशन विद द लो डोज एस्ट्रोजन। अब ये वो रिजीम्स हैं जो थोड़ा सा ग्राफिकली हैं कि सिक्वेंशियल में
आपने हर महीने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फिर उसके बाद ब्लीड ईस्ट्रोजन ओनली है उसको आप ब्रेक के साथ भी दे सकती हैं यानी आपने 21वें दिन दिए 7 दिन वक्फा किया कंटीन्यूअस कंबाइन में नो ब्लीडिंग इंटरवल फिर है इसमें ये वाली सारी हैं जो रिजीम हम यूजुअली दे रहे होते हैं इसको और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो साइक्लिकल में ये हो गया कंटीन्यूअस ईस्ट्रोजन ये है और कंटीन्यूअस यानी ये दोनों को मिला के हम देंगे अलग-अलग जो है वो सिर्फ हम हिस्टेक्टमाइज पेशेंट में ये यूज़ करते हैं फिर कॉम्बिनेशन में सिक्वेंशियल जो के 7 दिन का वक्फा जिसमें पेशेंट ब्लीड करता है और सिक्वेंशियल कंबाइंड जो हमने पहले भी बात की थी कि ईस्ट्रोजन मुस्तकिल और बीच में वक्फे के साथ प्रोजेस्टेरोन हमने देनी है ठीक है और इसके अलावा फिर कंबाइंड विदाउट ट्रीटमेंट फ्री इंटरवल यानी इसमें हमने ये दोनों दे दी और उसके साथ ये हमने थोड़ा सा फ्री इसमें इंटरवल दे दिया और कंटीन्यूअस कंबाइंड तो वो सारा जो हमने डेली बेसिस पे उसको देना हाउ इज एचआरटी गिवन कि हमने पहले बात कर ली है ऑलमोस्ट के हमने हिस्टेक्टमाइज और विद यूट्रस जो है विद यूट्रस हम ये दो रिजीम दे सकते हैं सिक्वेंशियल और कंटीन्यूअस कंबाइंड हाउ टू स्टॉप कि इसमें हमने एब्रप्टली स्टॉप करना है या क्या है इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ लेकिन यूजुअली जो है वो हम पेशेंट के साइन सिम्टम्स पे बेस करते हैं पेशेंट इफ हैज वेल टॉलरेटेड दिस ट्रीटमेंट तो इसको यू कैन कंटिन्यू फॉर इवन 7 इयर्स बट एज यू आर फॉलोइंग द पेशेंट ऑन रेगुलर एनुअल बेसिस तो इसमें हमें अगर कोई इफ देयर इज अपीयरेंस ऑफ न्यू साइन एंड सिम्टम्स based on that you can stop after 4 to 5 years or even after 6 months or even after 1 year so this is again individualized इसमें कोई hard and fast rules नहीं है androgen का कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं not as an HRT preparation but in the patients who have low libido तो सिर्फ उनमें ये एक sexual drive को उसके arousal के लिए ये बेहतर होता है और ये testosterone preparation होती है ज्यादातर लेकिन अमांग द एच आर टी टिबोलोन हैज द सेम प्रॉपर्टीज टू सम एक्सटेंट तो अगर इन पेशेंट्स में जिसमें हम टेस्टोस्टेरोन प्रिपरेशन नहीं दे सकते अदरवाइज वहां पे टिबोलोन यानी बियोल को हम इसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं अब इसमें जो बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो एक सम अप है दिस इज दैट अर्ली स्टार्ट और फिर ईस्ट्रोजेनिक बेनिफिट्स को जो है वो मेंटेन तभी होता है जब आप इसको टाइमिंग प्रॉपरली टाइम करते हैं पेशेंट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और दूसरा इंडिविजुअलाइजेशन टेलरिंग डोज टू द पेशेंट दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टिंग एचआरटी फिर कंटिन्यूएशन एंड टेपरिंग द डोज विद एज कि कब तक आपने कंटिन्यू करना है कब उसको टेपर ऑफ करना है फिर अर्ली मीनोपॉज को जितना अर्ली मीनोपॉज होता है यानी अगर 58 से पहले हो जाए वहाँ पे आप थोड़ा सा हाई डोज देते हैं दैट इज अगेन द रूल फॉर प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर दो एट द एज ऑफ लेस देन 50 वो प्री मेच्योर मीनोपॉज में नहीं आएगा बट इफ वी टॉक अबाउट द एच आर टी प्रेपरेशन लाइक ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन देन अ बिट हायर डोज इज रिक्वायर्ड इफ द पेशेंट डिवेलप्स मीनोपॉज प्रायर टू 50 ईयर्स ऑफ एज और लेट मीनोपॉज अगर हो जैसे आफ्टर 55 ईयर्स ऑफ एज तो उसमें हम फिर 0.3 मिलीग्राम के साथ इसको शुरू करें फिर बाकी फॉलोअप असेसमेंट और फ्रीक्वेंसी आ जाती है कि एनुअल आपने वो करना है और काउंसलिंग विजिट्स हैं जिसमें ट्रीटमेंट एवेल्युएशन और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी मेमोग्राम करना ज़रूरी है और अगर एक पहला मेमोग्राम ठीक आ जाता है तो फिर ज़रूरी नहीं कि उसको एनुअल बेसिस पे करें उसको 2 to 3 ईयर भी आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं अच्छा ये तो साइड बाय साइड चीज़ें हैं जो कि चलती हैं और ये बाकी जहाँ तक वेजोमोटर सिम्टम में है उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं हेलो अच्छा नहीं नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ और स्पेशली फॉर वेजोमोटर सिम्टम्स क्लोनिडिन विच इज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग
और से जो कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसन्स हैं लाइक SSRI और जो लेटेस्ट ड्रग है SNRI, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेजोमोटर सिम्टम्स। इसमें एक और चीज़ है, ये जो लेटेस्ट चीज़ है ना, इसमें टिबोलोन भी ज़ाहिर है इसको करता है वेजोमोटर सिम्टम्स को, और ईस्ट्रोजन ओनली भी करता है और SSRI भी करते हैं और क्लोनिडिन भी करता है, बट दिस हैज़ द स्पेसिफिक इफेक्ट बेंजोडॉक्सिफेन। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स है आफ्टर द रिडॉक्सिफेन। टेमोक्सिफेन इज द ड्रग, रिडॉक्सिफेन इज द ड्रग एंड दिस इज द न्यू ड्रग। ठीक है, आपके 2013 में ये हो चुकी है, ये FDA अप्रूव, बट दिस इज एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेजोमोटर सिम्टम्स। और बाकी तो चीज़ें हमने ऑलमोस्ट सारी डिस्कस कर ही ली कि SSRI हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इस नाम से आती है। ठीक है, और 2013 में इसका हो गया था अप्रूवल, और ये सिर्फ वेजोमोटर सिम्टम्स को बहुत इफेक्टिवली ट्रीट करती है बट ऑल्सो फॉर ऑस्टियोपोरोसिस एंड द ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी। आप इसमें फाइटोइस्ट्रोजन्स हैं और कुछ हर्बल प्रेपरेशंस हैं जिसकी के हम बात करते हैं। अब नाउ कमिंग टू द एक्चुअल HRT प्रेपरेशंस। ठीक है, एक्चुअली जो है वो HRT जो हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसमें प्रेमरीन वगैरह का तो आपको पता ही है कि वो क्या है, डिफरेंट डोजेस। ठीक है, अमूमन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो 0.6 to 5 and 0.3 मिलीग्राम की डोजेस में करते हैं। तो ये हिस्टेक्टमाइज्ड पेशेंट में ये ज़्यादा सूटेबल चीज़ होती है एंड इट वेरी वेल मैनेज द वेजोमोटर सिम्टम बीइंग ईस्ट्रोजन अलोन प्रेपरेशन। एक और जो ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन है दैट इज प्रोगाइनोवा। What is the use of Progynova in at young age? ये किन उसमें हम indications में use करते हैं, मतलब कि क्या कौन सी ऐसी condition है young age में जिसमें हम Progynova use कर सकते हैं? इनएडिक्वेट ओवेरियन एक्टिविटी है, ईस्ट्रोजन आपने देनी है वहाँ पे ग्रेजुअली स्टार्टिंग एज। हमेशा जब आप इसको शुरू करते हैं फॉर द ब्रेस्ट डेवलपमेंट फॉर द यूट्राइन हाइपोप्लास्टिक यूट्रस के लिए हमेशा मिनिमम पॉसिबल दो डोज से आप शुरू कर रहे होते हैं, यानी बार दफ़ा आप इसको 1/4 ऑफ द टेबलेट जो कि ये 2 मिलीग्राम की अगर के हो, 2 मिलीग्राम के अमूमन ज़्यादातर प्रेपरेशन इसकी 2 मिलीग्राम में आती है, तो ऑलमोस्ट दैट विल बी 0.5 मिलीग्राम ऑन ऑल्टरनेट डे फॉर 3 मंथ्स, देन यू कैन इंक्रीज द डोज। ग्रेजुअली इसको बढ़ाना होता है, एब्रप्ट हम हमेशा कभी भी इसको नहीं वो करते। और दूसरी क्या इंडिकेशन होती है, इन एशरमैन सिंड्रोम्स। एशरमैन सिंड्रोम कब होता है, जब देर इज एंडोमेट्रियल एट्रोफी ड्यू टू ओवर प्यूरेटाज ऑफ द यूट्रस और ड्यू टू सम एंडोमेट्रियल इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस गिव हो, और उसमें अगर बहुत थिन एंडोमेट्रियम परसिस्ट एंड इट रिजल्ट्स इन द सेकेंडरी एमेनोरिया ड्यू टू दैट एंडोमेट्रियल एट्रोफी, तो वहाँ पे भी आप इसकी एंडोमेट्रियल ग्रोथ के लिए इसको दे सकते हैं। एंड व्हेन इट रीचेस टू अ सर्टेन लिमिट लाइक 5 to 7 mm तो फिर आप इसको कंबाइन करते हैं विद द प्रोजेस्टेरोन फॉर विड्रॉल ब्लीडिंग। और ये HRT प्रेपरेशन के तौर पे तो है ही है एज ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन, और ये इसमें नेचुरल ईस्ट्रोजन होता है ईस्ट्राडल वैलिडेट। ईस्ट्रेनॉल का नाम आपने सुना होगा अक्सर, इसमें भी ईस्ट्राडल वैलिडेट 2 मिलीग्राम है, नॉट जेस्ट्रॉल विच अगेन इज थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टेरोन 0.5 मिलीग्राम, और ये 21 टेबलेट जिसमें 21 टेबलेट्स है ना वो साइक्लिकल रिजीम है, सिक्वेंशियल रिजीम है, यानी उसको हमने 21 डेज दिया और उसके बाद 7 डेज ऑफ, सो इट विल रिजेंबल अ नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फेमोस्टोन अगेन अ कॉम्बिनेशन थेरेपी, और ये फेमोस्टोन की फिर डिफरेंट प्रेपरेशन है 3 किस्म की डिपेंडिंग अपॉन द डोज ऑफ द ईस्ट्राडियोल। ठीक है, इसमें ईस्ट्राडियोल हेमी हाइड्रेट होता है विच इज़ अ सिंथेटिक प्रेपरेशन, और इसमें 2 मिलीग्राम भी हो सकता है ईस्ट्राडियोल वैलिडेट, इसमें 1 मिलीग्राम भी हो सकता है, 0.5 मिलीग्राम भी होता है जो कि क्वांटी के नाम से जाना जाता है, फेमोस्टोन क्वांटी कॉन्टीन्यूस आप इसको यूज कर सकते हैं। और उसमें फिर प्रोजेस्ट्रॉन यानी डाइड्रोजेस्ट्रॉन की डोज भी उसी तरह से कम हो जाती है।
ये फेमोस्टोन है. प्रोगायरोडॉन वेरी कॉमनली यूज्ड ड्रग, अगेन अ कॉम्बिनेशन ड्रग. ये साइकिल रेगुलेशन के लिए भी हम पेरीमेनोपॉजल एज पे कर रहे होते हैं, और इसमें भी एस्ट्राडियोल वैलिडेट वही एचआरटी प्रिपरेशन वाला होता है 2 मिलीग्राम, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में है नॉरजेस्टेरॉल 0.5 मिलीग्राम. तो ये साइकिल रेगुलेशन के लिए भी, ये सिक्वेंशियल एचआरटी प्रिपरेशंस के लिए भी, कि इन सारी चीजों के लिए, या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो पेरीमेनोपॉजल एज का एक प्रॉब्लम हो सकता है, डिसफंक्शनल ब्लीडिंग, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो. क्लाइमेंट इज अ वेल नोन ड्रग, और इसमें एस्ट्राडियोल वैलिडेट अगेन इन द सेम डोज 2 मिलीग्राम तक होती है. और इसमें ये देखें, पहली है वाइट टेबलेट्स, ठीक है, वो वाइट टेबलेट्स आर एस्ट्राडियोल वैलिडेट ओनली पिल्स. उसके बाद फिर इसमें एस्ट्राडियोल वैलिडेट प्लस सिप्रोटिडोन एसिटेट, ये और किस ड्रग में होता है सिप्रोटिडोन in the patients who are hyperandrogenic, unke liye ye ek suitable drug ban jati hai the. But for the hot flushes bhi aur osteoporosis ka bhi isme equal jo hai wo iska effect hota hai. Evista kya hai? Rendoxifen ki preparation, which is a sister drug of tamoxifen, yani selective estrogen receptor modulators. तो ये हम ब्रेस्ट सीए में भी दे सकते हैं, यानी एक ऐसा पेशेंट जिसको एचआरटी की जरूरत है, ब्रेस्ट सीए भी है या कोई हार्ट डिजीज है, तो वहां पे दिस ड्रग विल बी द चॉइस. तो इसलिए कि अगेन इंडिविजुअलाइजेशन बेस्ड ऑन द इंडिकेशन, बेस्ड ऑन द कोमॉर्बिडिटी, फिर आपने उसके हिसाब से चूज करना है कि इसमें हमने कौन सी ड्रग देनी है. रिलॉक्सिफेन इसमें 60 मिलीग्राम होता है जो कि डेली बेसिस पे पेशेंट लेता है, लेकिन ये हॉट फ्लशेस के लिए, क्योंकि ये एंटी एस्ट्रोजेनिक होती है, तो ये हॉट फ्लशेस के लिए आइडियल ड्रग नहीं है. लिबियोल, टिबोलोन जो होता है, ठीक है, टिबोलोन बेसिकली एक ऐसी ड्रग है जो कि सिंथेटिक स्टेरॉयड हार्मोन है, लेकिन इट हैज एस्ट्रोजेनिक, एंड्रोजेनिक एंड प्रोजेस्टोजेनिक इफेक्ट्स. ये तीनों के तीनों इफेक्ट्स इसमें होते हैं. But it is a good drug for hot flushes, osteoporosis and genitourinary atrophy. Yani jahan pe aap genitourinary atrophy will be well dealt by with the estrogen only preparation. Lekin agar aap isme wo use nahi kar sakte to then tibolone will be a choice. Phir libiol jo hai ye ek choice ban jayegi. To iski ye indication jo hai na hot flushes hai, aur khas taur pe urogenital atrophy, wo ek bahut important cheez hai. ये वाला इफेक्ट बाकी उसके साथ, अनलेस के वो एस्ट्रोजन ओनली प्रिपरेशन हो और किसी ड्रग के साथ कवर नहीं होता, हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस और ड्रग भी मैनेज कर रही होती है लाइक क्लाइमेट. ट्रांसडर्मल पैचेस, पैचेस अब बहुत सेफ ऑप्शन है. जी हाँ मैडम, हाँ जी, इफ नॉट अर्जेंट कर लें जिसमें कोई जो सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं वो बाईपास हो जाते हैं, और ये जो है कि बहुत इफेक्टिवली हम दे सकते हैं. अब वजाइनल रिंग्स भी हैं जो कि अमूमन बहुत सेफ नहीं, हम मतलब ये ज़्यादातर होती हैं फॉर द लोकल यूज लाइक यूरोजेनिटल एट्रोफी वगैरह के लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल हैं, बट इट डजंट मैनेज द हॉट फ्लशेस, या अगर कोई ऑस्टियोपोरोसिस वाली चीज है तो वो इससे मैनेज कैसे करते हैं. मतलब रिंग है अमूमन एक हफ्ते के हिसाब से होता है कि एक हफ्ते में एक रिंग निकालना, उसको जो है वो सर्विक्स के पैच हो या रिंग्स हो, ये लॉन्ग टर्म नहीं होते, ये वीकली बेसिस पे जो है वो, कभी कभी कुछ पैचेस ऐसे होते हैं जो वीकली बेसिस पे करने होते हैं,
जो क्रीम होती है ना फॉर स्किन एप्लीकेशन वो डेली बेसिस पे होती है, जो पैच है, जो रिंग्स हैं वो वीकली बेसिस पे होती है। अच्छा ये पैचेस का भी हो गया उसी तरह से भी रिंग रखते हैं। इसमें कोई खास ऐसी टेक्निक तो नहीं होती, पेशेंट को भी रख सकते हर हफ्ते रखवाने डॉक्टर के पास तो नहीं जाए। दिस इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ एच आर टी तो नॉट वेरी कॉमनली यूज, ज़्यादातर जो आजकल यूज़ हो रही है वो पैचेस यूज़ हो रही हैं, या फिर जो लोकल क्रीम है वो यूज़ हो रही होती हैं, जो डेली बेसिस पे पेशेंट ने लगानी होती हैं उसकी एक सर्टन अमाउंट के इतने ml जो है वो लगाने हैं आपने डेली बेसिस। और ये जो है कि फिर चीज़ बाईपास कर देती है उसके साइड इफेक्ट्स को। अच्छा जी, अब बाकी ये SSRI हो गया कि इसकी हमने बात कर ली है, नॉन हॉर्मोनल थेरेपीज में भी वही सारी चीज़ आ जाती हैं, और क्लोनिडिन भी है, फिर गैबापेंटिन भी है जो कि हॉट फ्लशेस को मैनेज करती है। ये ज़्यादातर जो है कि हॉट फ्लशेस की मैनेजमेंट की है, और बाकी जो चीज़ें जो कि हॉट फ्लशेस को मैनेज करती हैं अगेन बेसिकली द सेम थिंग, जिसमें के डिफरेंट जिसमें स्टार बने हुए हैं ना वो सबसे ज़्यादा उसको अफेक्ट करेंगे, लेकिन ये ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट्स ही हैं जो कि इसको ज़्यादा मैनेज करते हैं, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट्स वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, विच कंट्रोल द हॉट फ्लशेस आल्सो। बाकी ऑस्टियोपोरोसिस की थेरेपी में जो नॉन हॉर्मोनल बेसिकली जो होती हैं वो फिर उनमें ये भी सारी आ जाती हैं, कुछ बिसफॉस्फेनेट हैं और कैल्शियम प्रेपरेशन हो गई अपार्ट फ्रॉम द हॉर्मोनल थेरेपीज। एट्रोफिक वेजिनाइटिस में हमारे पास बहुत सारी चॉइसिस होती हैं, मतलब उसमें वजाइनल क्रीम्स यूज़ हो सकती हैं, वजाइनल रिंग यूज़ हो सकते हैं, फिर वजाइनल पेस्ट्रीज यूज़ होती हैं, वजाइनल टिबलेट्स यूज हो सकते हैं, सो मैनी थिंग्स टू यूज इन द वजाइनल एट्रोफी, यूरोजेनिटल एट्रोफी बेसिकली। लेकिन इनको हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई का भी प्रॉब्लम रहे, ठीक है। इज इट क्लियर सो फार, कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग हुई कि नहीं? अगर